फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ब्रेड आमलेट की रेसिपी। ये जितनी स्वादिष्ट है, इसका टेस्ट इतना निराला है दोस्तों कि आप एक बार मेरे तरीके से बना लोगे ना तो बार बार बनाना लगोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देरी किस बात की। तो यहाँ पे मैंने दो अंडा लिया है और ब्रेड लिया है। ब्रेड आपके पास जो भी है आप उस ब्रेड का इस्तेमाल कर सकते हो। ब्राउन ब्रेड है, वाइट ब्रेड है, जो भी ब्रेड है आप उसका इस्तेमाल करके बहुत ही बढ़िया सी ब्रेड आमलेट बना सकते हो। तो चलिए, अंडों को हमें सबसे पहले तोड़ लेना है, तो बारी बारी से हम अंडों को तोड़ लेते हैं। ये रेसिपी इतनी सिंपल है दोस्तों, मैं आपको बता नहीं सकती। इतनी सिंपल है कि 5 मिनट में आपकी रेसिपी जो है बन जाएगी फटाफट से। तो देखिए, यहाँ पे मैंने रेड चिली पाउडर लिया है। तीखा आप अपने मन मुताबिक कर लीजिए, कम या ज़्यादा। और साथ ही ब्लैक पेपर पाउडर भी ले लीजिए। देखिए, ये मैं बच्चों के लिए नहीं, बड़ों के लिए बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैं तीखा ऐड करती हूँ, वरना मैं बच्चों के लिए बनाती तो मैं कम ही ऐड करती या फिर नहीं ऐड करती। तो मैं यहाँ पे टेस्ट के हिसाब से नमक भी ऐड कर लूँगी, आप भी अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लीजिए और अच्छे से मिक्स कर लीजिए। जो आजू बाजू रेड चिली पाउडर लग गया है उसको भी अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और साइड में मैंने तवा गर्म होने के लिए रख दिया है, तो यहाँ पर अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अब इसको साइड में कर देते हैं क्योंकि ये हो गया है। आप चलते हैं ब्रेड की तरफ। तो देखिए, मैंने कुछ इस तरह से ब्रेड लिया है, यानी कि मुझे इससे बड़े साइज़ का ब्रेड चाहिए था मगर मिला नहीं, लेकिन मैंने इस तरह से मैनेज कर लिया है। अगर आप चाहो तो इसी तरह से भी कर सकते हो और इसको वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आप इसका क्रम्स, जो बच गया है टुकड़ा ब्रेड का, उसका क्रम्स कर लीजिए। अब यहाँ पे मैंने जो तावा गर्म हो गया था, यहाँ पे मैंने 1 क्यूब्स बटर को मेल्ट कर लिया है अच्छे से। अब मैं इसमें अंडे, जो हमने अंडे का बैटर बना के रखा था, उसको मैं इसमें डाल दूँगी। तो ये देखिए, मैं इस तरह से चारों तरफ अच्छे से फैलाते हुए डाल दी हूँ पैन में। अब इसको थोड़ा सी, जो हमने ब्रेड लिया था उसको एक साइड थोड़ा सा डिप करेंगे, फिर दूसरा भी टुकड़ा जो हमारे पास है उसको भी थोड़ा सी लगा लेंगे बैटर, और इसको अच्छे सी शेप में आमने सामने इस तरह से सेंटर में रख देंगे। तो इस तरह से अगर आप रखोगे तो आपका ब्रेड आमलेट बहुत ही बढ़िया बनेगा, क्योंकि अच्छे से फोल्ड भी हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं होगी। कई लोग कहते हैं कि हमारा ब्रेड आमलेट ठीक से नहीं बनता है, तो इस तरह से रखोगे आप तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आराम से आपका ब्रेड आमलेट की रेसिपी तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए, अब इसको हमें पलटना है। तो आसपास के जो भी है, हो सकता है ये चिपका हुआ, लेकिन ये नॉनस्टिक की पैन है तो चिपकेगा नहीं, फिर भी मैं आपको बता दे रही हूँ। ये देखिए, ये सारा कुछ निकल गया। अब इसको हम आराम से पलटेंगे, तो मैं आराम से इसको पलट दूंगी। ऐसा ऐसा कोई जल्दीबाजी नहीं करना, कोई घाई नहीं करना, आपको आराम से इस तरह से पलट लेना है। देखिए मैं किस तरह से आपको बता रही हूँ, देख सकते हो आप, इस तरह से हमें पलट लेना है। और दूसरे साइड भी हमें अच्छे से कलर आए तक का पकाना है। ये प्रोसेस हमें मीडियम फ्लेम पे ही करना है दोस्तों, ज़्यादा आप हाई फ्लेम पे करोगे तो जल जाएगा। तो अभी देखिए मैं दूसरी बार किस तरह से पलट रही हूँ। ये देखिए, बहुत ही आराम से पलट जाता है, कुछ भी टूटने फूटने का डर नहीं है। तो इस तरह से अभी हमें फोल्ड करना है, जो ये कॉर्नर्स है ना, साइड्स, इसको हमें आराम से पलटना है। ये देखिए, इस तरह से फोल्ड करना है। तो देखिए मैं धीरे धीरे कर रही हूँ। अगर आपका ये देखिए इस तरीके से नहीं होता तो कुछ सेकंड के लिए इससे होल्ड कीजिए, फिर ये पक जाएगा तो चिपक जाएगा। ये देखिए, इस तरह से प्रेस कर दीजिए। अब मैं ये साइड का भी कर दूँगी। बहुत ही बढ़िया रेसिपी है और बनाने का इतना सिंपल तरीका है कि आप कोई भी टाइम पे बनाकर इसको एंजॉय कर सकते हो, बच्चों को लंच में दे सकते हो। अगर बच्चों की स्कूल ओपन हो जाए तो आप इसको लंच में दे सकते हो, आराम से बच्चे खा लेंगे खुशी खुशी। आप चाहो तो इसमें चीज़ वगैरह भी ऐड कर सकते हो, बच्चों को तो चीज़ बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो मैं किस तरह से पलट रही हूँ। अब इसको स्लोली स्लोली इसको पकने दे, सिकने दे, दोनों साइड में थोड़ा सी बटर डाल दे और आराम से ये सिकते रहेगा।
क्रिस्पी होएगा, बहुत ही अंदर से सॉफ्ट रहेगा और टेस्ट में तो लाजवाब रहेगा। दोस्तों आप मेरी रेसिपी ये ज़रूर ट्राई करो, आप मुझे ज़रूर याद करोगे कि इतनी बढ़िया रेसिपी है, मिनटों में बन जाती है। जब चाहो आप बनाकर खा सकते हो, बच्चों को खिला सकते हो या झटपट से मेहमान आए तो आप बना सकते हो। कभी भी आपका मन करे तो इस तरह से फटाफट से बना सकते हो। तो यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए भी बनाया है, ये सेम रेसिपी है लेकिन इसमें मैंने रेड चिल्ली पाउडर का इस्तेमाल नहीं किया है और ना ही ब्लैक पेपर पाउडर का इस्तेमाल किया है, सिर्फ सॉल्ट और बटर का इस्तेमाल किया है। तो ये दोनों रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर किया है, आप चाहो तो बच्चों के लिए बना लो या फिर बड़ों के लिए बना लो। कितनी लाजवाब रेसिपी है, आप एक बार तो मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई कीजिए। रियली फ्रेंड्स, आप बार बार बनाना पसंद करेंगे, इतनी लाजवाब रेसिपी है। दिखने में इसका लुक देख सकते हो कितना बेहतरीन है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो लाइक और शेयर कीजिए, साथ ही सब्सक्राइब कीजिए।